मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को राजकीय ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव लेने की अनुमति दी है। अब महाराष्ट्र में क्या होगा, इस बात पर चर्चाएं चल रही हैं। महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता अपनी प्रतिक्रिया में कहा, राज्य सरकार ने ओबीसी राजकीय आरक्षण की हत्या की है। लोग है झूठी बात करते हैं। ये तो 1.5 साल पहले स्पष्ट हुआ कि केंद्र का कोई संबंध नहीं है, राज्य को करना है। मध्य प्रदेश ने करके दिखाया, आप सिर्फ भाषण करते रहे, राजनीति करते रहे, क्योंकि मन से ओबीसी को आरक्षण आपको देना ही नहीं है। तो राजनीति में दिखाई पड़ रहा है, नहीं देना चाहते हो, दबाव है उनके ऊपर। हम तो सरकार पर दबाव बनाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। ये सरकार ने जो ओबीसी के आरक्षण की हत्या की, सरकार का पर्दाफाश करेंगे।